किसी भी जहाज में बैठने से पहले इसका फ्यूल और ऑयल चेक करने के अलावा कुछ जरूरी चेक्स करना होते हैं, जिन्हें 360 चेक्स कहा जाता है। जहाज इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर पर बनाए गए स्पेशल रनवे पर टैक्सी कर रहा है और सेस्ना 172 एयरक्राफ्ट के फ्लाइट इंस्ट्रक्टर रेडियो फ्रीक्वेंसी पर कंट्रोल टावर से स्टार्टअप क्लियरेंस ले रहे हैं। जहाज अपनी स्पीड पकड़ते ही हवा के दोष पर उड़ान भर चुका है। आप दाएं जानिब इलामा इकबाल इंटरनेशनल टर्मिनल की बहुत ही शानदार और खूबसूरत इमारत देख सकते हैं। दुराने परवाज हर लम्हा अपने अंदर बेशुमार दिलचस्प तजुर्बात समोए हुए होता है। जहाज से नीचे देखने पर शेखुपुरा का मशहूर हिरन मीनार दिखाई दे रहा है। हिरन मीनार मुगलिया तर्ज तामीर का एक जीता जागता शाहकार है, जो मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की तवज्जो का मरकज है। जहाज शेखुपुरा का टूर मुकम्मल करके इस वक्त लाहौर से इस्लामाबाद जाने वाली मोटरवे के ऊपर से गुजर रहा है। अब हम दोबारा लाहौर शहर की हुदूद में दाखिल हो चुके हैं और इससे नीचे देखने पर लाहौर की मशहूर शाही मस्जिद का वसी अहाता और लाहौर शहर का मीनारे पाकिस्तान वाज़े दिखाई दे रहा है। शाही मस्जिद रकबे के लिहाज से पाकिस्तान की दूसरी और दुनिया की पांचवी बड़ी मस्जिद है। इस वक्त जहाज से लाहौर शहर के मशहूर माल रोड के चेयरिंग क्रॉस पर वाक़े सूबाई असेंबली, समिट मीनार और वाबटा हाउस की खूबसूरत इमारत दिखाई दे रही हैं। अब हम कजाफे स्टेडियम के ऊपर उड़ान भर रहे हैं। यहाँ से गुजरते हुए खूबसूरत कजाफे स्टेडियम के साथ फुटबॉल और हॉकी के ग्राउंड्स का भी दिलकश नज़ारा होता है। जहाज अरफा करीम टावर के ऊपर से गुजर रहा है। सेस्ना 172 एयरक्राफ्ट तकरीबन 1.5 घंटे के दौरान लाहौर ता शेखुपुरा और वापसी की अपनी परवाज मुकम्मल करके अब लैंडिंग करने लगा है।
लीजिए, हम वापस एयर ईगल एविएशन एकेडमी पहुंच चुके हैं। व्यूअर्स, हम उम्मीद करते हैं कि आप सेस्ना 172 एयरक्राफ्ट के इस सफर में शेखुपुरा के हिरन मीनार से लेकर शहरे बेमिसाल लाहौर की मॉडर्न और हिस्टोरिक साइट्स के फिजाई नज़ारों से खूब लुत्फ़अंदोज़ हुए होंगे और डिस्कवर पाकिस्तान की स्क्रीन पर सेस्ना 172 एयरक्राफ्ट का ये सफ़र आपके लिए बहुत यादगार और खुशगवार रहा होगा।